मंडला जिले के बिछिया विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत करंजिया के पोषक ग्राम बिरसा में हालौन परियोजना का डैम, जहां पर बिरसा के ग्रामीणों ने विस्थापन की मांग को लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री की चुनावी सभा में, और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से रखी अपनी मांग। मंच से ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही बिरसा के ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मंच पर उपस्थित मंडला लोकसभा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी आश्वासन दिया कि बिरसा के लोगों को जल्द ही विस्थापित किया जाएगा, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय पिछले बार भी जब बिरसा के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर जब चुनाव का बहिष्कार किया था, तब भी कुलस्ते जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। अब फिर चुनावी साल में आश्वासन दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले हमें विस्थापित करिए, फिर लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे, नहीं तो हम सभी ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गाँव में शमशान भूमि तक नहीं है और जो थी वो डूब में चली गई, और एक आवागमन के लिए मुख्य मार्ग है वो भी डैम के पानी में डूब चुका है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ चुनावी सभा को संबोधित करते समय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंच से मुख्यमंत्री को बिरसा गांव की परेशानियों से अवगत कराया, तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने भाषण के दौरान सभा में मौजूद बिरसा के ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जैसे आप चाहेंगे वैसा होगा, सभी को मुआवजा दिया जाएगा और पूर्ण विस्थापन किया जाएगा। ये हमारे 29 कमल के फूल जो भेजने वाले हैं, जो कीचड़ रूपी गंदगी फैली हुई है, ऐसे में हमको कमल खिलाना है। और मंडला के लोग डरो मत, आपका कौन सा डैम है यहाँ उसके लोग बैठे हैं, एक एक व्यक्ति को आपको मुआवजा दे करके जो आप चाहोगे वो होगा। आपकी भावना का सम्मान ये भाजपा की सरकार करेगी, जो आप चाहोगे वो होगा। आपके साथ खड़े होकर के एक एक व्यक्ति के बारे में विचार करेगी हमारी सरकार, सही बोलने वाली सरकार है, कभी झूठ का साथ नहीं देती। जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि मोदी है तो मोदी जी की जबान हमारी जबान, मोदी जी की गारंटी हमारी गारंटी। आप बताओ, यह लगातार पूरा क्षेत्र पिछड़ा, आप एक बार इसको अध्ययन करा लीजिए और इसमें से जो बेहतर रास्ता किसानों के लिए निकल सकता है वो आप जरूर कराइए। ऐसा मैं आग्रह हमारे यहाँ के मतदाता भाई और बहनों के तरफ से मैं करना चाहता हूँ। एक दूसरा विषय इसी बांध में, जो बिरसा वालों का बार बार अभी भी आपको ज्ञापन दिए, मैंने कहा है आप लोगों के तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि इसको संपूर्ण ऐसा गांव को प्रभावित मान करके उसको निर्णय करें और उनको जो भी सहायता हो सकती है सहायता दे करके उनको कहीं स्थापित किया जाए। इस प्रकार का निर्णय के बारे में भी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आप सब लोगों की तरफ से मैंने निवेदन किया है व्यक्तिगत तौर से, और आने वाले समय में जरूर इसके बारे में हम फैसला कराएंगे सरकार से। और ये मवई के लिए आप लोगों ने, हमारे मंडलाध्यक्ष जी ने भी कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी कहा, मैंने निवेदन किया है कि अगले बार जब मंडला आएंगे तो जरूर मुख्यमंत्री जी। क्या कारण क्या? हमारे गांव बिरसा गांव में बांध बन चुका है और आज तक जितने भी अधिकारी गए हैं हमारे गांव में, बस आश्वासन बस दिए हैं सर हमको, लेकिन हमारे कुछ भी कार्रवाई पूरा नहीं किया जा रहा है। और हम लोग क्या डूब के मर जाएं, हम अभी आ रहे थे तो हमारे गाड़ी पलटने लगे थे, हम मुश्किल से निकल के आई हैं, पानी अंदर से पूरे जाम हो गए हैं सर, रोड पूरा जाम हो चुका है हमारे गांव के, और आने जाने का कोई भी सुविधा नहीं है हमारे गांव के लिए। और हमको बस अधिकारी लोग जाते हैं, वोट लेने के समय भी जाते हैं, बाकी टाइम में भी जाते हैं वे लोग, तो हम अधिकारी से बोलते हैं सर हमारी समस्या पूरा करिए ना आप, हमको क्यों ऐसा तड़पा रहे हो, हमारे मकान के आसपास पानी से घिरा है और हमारे खेत बाड़ी में कुछ भी नहीं है। हमारे गांव में खेत बाड़ी पूरे पानी से डूब चुका है और हमारे बच्चों के लिए भी खाने पीने की कोई व्यवस्था भी नहीं है सर, और हमारे बच्चों के भविष्य खराब हो रहे हैं, स्कूल में भी पानी आ गया है, स्कूल बना है ना वहाँ पर पानी आ चुका है। बस हमको अधिकारी लोग आश्वासन बस देते हैं लेकिन हमारे कोई कार्रवाई आगे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आज आए हैं क्या हम तो हम सब लोग गाँव के पानी में डूब के मर जाएंगे या फिर हम क्या करें आप ही बताएं। आज माननीय मोहन यादव जी हमारे ग्राम बात करने आए हैं कि हमारे ये समस्या है, आपको जो उचित लगे वो आज बताइए, हम आज के बाद हम कहीं नहीं बोलेंगे, ना हम जाएंगे, ना हम वोट भी नहीं डालेंगे अगर हमारे लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय बताइए क्या समस्या।
मोहन लाल झारिया है, मैं ग्राम बिरसा का निवासी हूँ। हमारे गांव में हलौन बांध का निर्माण किया गया है, जिसमें हमारे समस्त जीवोपार्जन एवं मानव संसाधन के सुखाचार का समाप्त हो गया है। चारों तरफ जलाशय से घिर पानी से घिर गया है और वो छोटा सा टापू जहां 50-60 मकान बन गए उसका अधिग्रहण करके और वहां से विस्थापन की कार्रवाई नहीं हुआ, परंतु शासन और प्रशासन दोनों को हम 12 वर्ष से हो गया अवगत कराते हुए, सांसद महोदय भी हमारे गांव में 4 बार गए, कलेक्टर महोदय भी गए और सभी जिला के आला अफसर भी गए हमारे पास, मगर हमारा समस्या का निदान अभी तक नहीं हुआ है। हमारे ग्राम बिरसा हलौन जलाशयों से चारों ओर घिर गया है। वर्तमान स्थिति ऐसा है कि किसी प्रकार से सेवा उपलब्ध नहीं हो रहा है, चाहे स्कूल सुविधा हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा, चाहे अग्निशमन वाहन हो, ऐसी किसी भी चाहे चुनाव वाहन हो, ग्राम बिरसा में प्रवेश नहीं कर सक रहा है। ऐसी स्थिति में अभी आते समय हमारे साथ वाहन वाली थी, मगर जबरदस्त स्थिति में हमने घोटाले हैं और आज की सुनवाई हमारा मध्य प्रदेश सरकार नहीं करता तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। हलौन डैम के विभाग के द्वारा हमारे साथ छलावा किया गया, 80,000 जो दिया गया है वो हमारे जमीन की उचित मूल्य नहीं है। ये 2013 का जो अधिग्रहण कानून है, ये काला कानून है जो कांग्रेस सरकार ने बनाया था। इस काला कानून को समाप्त कर पुराना कानून से हमारे जो सिंचित क्षेत्र के उचित मुआवजा के बराबर जो दिया जाना सुनिश्चित किया गया था, उस मुआवजा में हमको दिया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा हम आज हमारा ग्राम भ्रमण का पूर्ण स्थापन की कार्रवाई नहीं होता तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम रुदन लाल झारिया है। अगर